बाकी ज़्यादा डर किसी से भी नहीं रहता है, बिल्ली से भी इतना डर नहीं लगता है, लेकिन इनसे काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। ये कबूतर ज़्यादातर जाकर हमला कर दे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आज हमने फिर से कबूतर खोल दिए हैं और आज हमने एक और काम कर दिया कबूतरों के लिए। आज हमने पीछे का वो जो होल था उसको खोल दिया है, क्योंकि सब कबूतरों के पर हमने खोल दिए हैं। अब सब कबूतर फ्री फ्लाई उड़ सकते हैं आराम से। सब कबूतरों के पर एकदम खोल दिए हैं, क्योंकि कबूतरों के पर बंधे हुए थे और हमने बांध के रखे थे, क्योंकि ये नए लाए थे इसलिए हमने कबूतरों के पर बांध दिए थे। हमने कबूतरों के पर खोल दिए हैं अब, और ये अब आराम से सब जगह आ सकते हैं। और हमें अब ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पास ही रहना पड़ता था और इन्हें साथ में दाना देना पड़ता था, पानी देना पड़ता था, 24 घंटे इनके साथ रहना पड़ता, मतलब जब खोलते थे कबूतर तब उनके साथ रहना पड़ता था। अब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, हमने पीछे का वो गेट खोल दिया है, क्योंकि जब खोलेंगे तो पीछे वाला गेट खोल दिया करेंगे, मतलब जो होल था उसको हटा दिया है, ईंटा हटा दिया, ईंटा लगाई रखी थी। और ये कुछ कबूतर अभी जानते नहीं, जैसा कि देख सकते हैं ये कबूतर अंदर जाना चाह रहे हैं लेकिन अंदर जा नहीं पा रहे, क्योंकि इधर से हमने बंद रखा है और पीछे से खुला हुआ है। तो गाइस दिखाते हैं कैसे हमने खोल दिया है पीछे का, और अभी दाना रखा है, अभी डाला नहीं, क्योंकि वो कबूतर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और ये कबूतर पानी वानी पी लिया है और ये जाने के लिए तैयार है। देख सकते हैं काफ़ी कबूतर वहाँ पर बैठे हुए हैं और ये जा नहीं पा रहे। तो गाइस देखना वीडियो में हमने गेट कैसे खोला है। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये हमने इधर का खोल दिया है, ये गाइस हमने खोल दिया है ये होल, इस होल की बात कर रहा था। और ये कबूतर बैठे हैं, हमने बात करी थी तो चार अंडे दिए हैं मादा ने, ये है वो मादा। तो गाइस कुछ लोगों ने पूछा कि चार अंडे दिए हैं, ये देख सकते हैं ये मादा बैठी हुई है और इसके नीचे चार अंडे हैं गाइस, और ये भी बच्चे निकल आए हैं। और गाइस एक और खुशखबरी बताना चाहते हैं, इस मादा के नीचे हमने शिराजी के अंडे चेंज कर दिए थे। तो गाइस एक अंडा तो फूट के बर्बाद हो गया था और एक अंडे में बच्चा निकल आया है गाइस। इसका रिज़ल्ट कैसा होगा गाइस, आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो देखते रहिए तो पता चल जाएगा इसका रिज़ल्ट कैसा निकला है और कैसा ये बच्चा हुआ है। क्योंकि अभी दो दिन का बच्चा है, हम इसको हटा नहीं सकते, वरना आप लोगों को दिखा देते। इसके नीचे बच्चा है और वो सिराजी का एक अंडा बचा था तो वो फाइनली निकला है। और ये गाइस ये चिक्स बैठा हुआ है जरत का, और गाइस उधर भी बैठा हुआ है ये चिक्स, और ये यहाँ पे अंडे रखे हुए हैं अभी, क्योंकि वो बाहर दाना खाने के लिए खोले हैं। और हमने अभी पूरे दाना डाला नहीं है किसी भी कबूतरों का, और इसलिए ये सब पास में बैठे हुए हैं। भाई ये देख सकते हैं अभी दाना डालते हैं, ये कैसे आते हैं कबूतर, ये देख सकते हैं ये सब कबूतर अब आ चुके हैं और हमने अब दाना भी डाल दिया है। और गाइस आज एक नया कबूतर, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कबूतर आया हुआ है गाइस, ये बैठा हुआ है गाइस, ये देख सकते हैं। तो गाइस वो देख सकते हैं ये कबूतर आया हुआ है, कोशिश करेंगे गाइस पकड़ने की, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कबूतर लग रहा है। और ये गाइस आया हुआ है कबूतर, गाइस दाना डालते हैं और देखते हैं क्या रहता है, पकड़ में आता है नहीं आता है। आओ 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 आओ। तो गाइस वो कबूतर काफ़ी दूर है, दाना यहाँ पे पड़ा है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। और ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भूखे हैं, चिक्स भी भूखे होंगे, और वो कबूतर काफ़ी दूर ज़्यादा दूर निकल चुका है। तो गाइस पकड़ना मुश्किल ही है अब शायद, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे दाना डालकर। तो ये देख सकते हैं हमने फिर से दाना डाल दिया है और वो कबूतर काफ़ी ज़्यादा दूर बैठा है, बाकी कबूतर कुछ कबूतर दाना खा के अंदर चले गए। और गाइस फिर से आज फिर से कौओं ने जमेड़ा लगा दिया है, क्योंकि दो दो कौए बैठे हुए हैं गाइस, और सबसे ज़्यादा डर इन्हीं से लगता है। एक ये बैठा हुआ है और एक ये कौवा बैठा हुआ है गाइस। सबसे ज़्यादा डर इन्हीं से रहता है कबूतरों में, क्योंकि ये कबूतरों के लॉफ्ट के अंदर जाकर इन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं, बाकी ज़्यादा डर किसी से भी नहीं रहता है, बिल्ली से भी इतना डर नहीं लगता है, लेकिन इनसे काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। ये कबूतर ज़्यादातर जाकर हमला कर देते हैं और अंडे या तो साथ में ले जाते हैं, तो बच्चों को पूरी तरीके से डैमेज कर देते हैं, मार देते हैं। और गाइस बच्चों को तो जो दूर छोड़िए, जो बड़े कबूतर हैं, जो मतलब फ्री फ्लाई
कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, उनको भी ये कबूतर मार देते हैं। गाइस इतने बड़े कौवे हैं, कौवे का साइज आप देखेंगे तो आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि हाँ ऐसा कर सकते हैं ये कौवे। ये देख सकते हैं इनका साइज, देखिए इनका साइज करीब डेढ़ कबूतर के बराबर होगा आसपास। सबसे ज़्यादा गाइस इन्हीं से डर रहता है। और ये सब कबूतर हमारे यहीं पे हैं, पास में ही दाना डाल रहे हैं। और गाइस चिक्स निकल आए हैं, पहले वीडियो में बताया है, लेकिन देखते हैं उसका रिज़ल्ट कैसा रहता है। गाइस इसका वो चिक्स है इस मादिन का, और गाइस नर अंडों पे बैठा हुआ है। गाइस हमने एक बार फिर से वही काम किया है जो हमने पहले कर चुके हैं, हमने पहले कर दिया था। गाइस इसके भी अंडे हमने चेंज कर दिए हैं इस मादिन के, और अंडे चेंज कर दिए हैं, और इसके नीचे हमने वो दूसरे अंडे रख दिए हैं जो ख़राब अंडे थे। देखना होगा गाइस वो फर्टाइल ना हो जाए इसलिए, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है अगर हम लगातार इनसे अंडे लेते रहेंगे तो ये कबूतर काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, मर भी सकते हैं गाइस ज़्यादातर लगातार चिक्स लेते रहेंगे, या 7 या 8 दिन में अगर आप चिक्स लेते रहेंगे, क्योंकि ऐसा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जोड़ हैं अंदर, 6 या 7 जोड़ हैं। अगर गाइस हम 6-7 जोड़ों के नीचे इनके अंडे बदलते रहेंगे तो गाइस ये मादिन है काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगी, तो शायद हमें जोड़ा भी अपना फोड़ना पड़े। तो इसलिए हमने दूसरे मादिन के अंडे रख दिए हैं नीचे। गाइस वो ख़राब थे, शायद हमने उनके नीचे बदल दिए हैं, देख लेंगे फिर से, क्योंकि वो फर्टाइल ना हो जाए। तो इसलिए अगर वो फर्टाइल हो जाए तो गाइस, क्योंकि दोबारा तो हम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि उनके चिक्स निकालने पड़ जाएंगे हमें, और हम मार तो सकते नहीं बच्चे को, इसलिए देखना होगा फर्टाइल ना हो पाए। गाइस ये मादिन आ रही है, और काफ़ी ज़्यादा बेहतर क्वालिटी है इस मादिन की, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पैरों में पर हैं, करीब एक उंगलियों के लगभग बराबर बराबर पर हैं। आप ये देख सकते हैं, ये क्वालिटी आप इसकी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और गाइस काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है इन कबूतरों की मार्केट में गाइस, और लखनऊ मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, लेकिन नहीं काफ़ी ज़्यादा नहीं तो कह सकते हैं कि कुछ जो अवेलेबल रहते भी हैं तो उनकी ज़्यादा डिमांड रहती है गाइस। और सबसे ज़्यादा डिमांड ज़रत की है वहाँ पे गोले कबूतरों की है गाइस, और शिराजी की है, लखों की है, डैनिश भी आ जाते हैं लखनऊ पिजियन मार्केट में गाइस। ये देख सकते हैं ये पास में ही आ गई है। और गाइस हमने लॉफ्ट दे दिया है बनवाने के लिए, और देखना है वो कब तक मिल पाती है गाइस, काफ़ी ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं, 2 या 4 दिन तो हफ्ता शायद लग जाए, क्योंकि गाइस उसमें ये रहेगा, सोचा है लव बर्ड्स पालने के लिए सोचा है गाइस उस लॉफ्ट में, और फाइनली वो केज हमारी बंद नहीं है, डाल दिया है और वो बंद नहीं है गाइस। कबूतर तो हो गए हैं लेकिन फिर भी कुछ फैंसी कबूतर लाने हैं, और वो वहाँ पे जो लॉफ्ट पड़ी है उसमें लव बर्ड्स रखे या बजरी बजीज लाने की सोच रहे हैं गाइस। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि लव बर्ड सही रहेंगे या बजीज सही रहेंगे। तो ये देख सकते हैं दाना डाल दिया था लेकिन आवाज़ की वजह से उड़ जाते हैं कबूतर, ये देख सकते हैं आप लोग। और उधर बच्चे भी खेल रहे हैं गाइस, ये देख सकते हैं ऊपर ही आ जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इनको भी दिलचस्पी है पालतू जानवरों में, पालतू कबूतरों में, और ये भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं गाइस, इसलिए और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देख सकते हैं ये आए हुए हैं, और हमने वो खोल दिया है, और इसलिए शायद अभी काफ़ी दिन हो गए हमें, 3 या 3-4 महीने हो गए उस बंद किए हुए उस होल को दोबारा खोला है। तो गाइस कुछ कठिनाइयाँ होंगी, कुछ परेशानियाँ होंगी, लेकिन फिर से ट्रेंड हो जाएंगे। अगर गाइस हम किसी काम की वजह से नहीं है, अगर हमने उसको खोल दिया है तो शायद कोई दिक्कत ना हो, दाना पानी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। तो गाइस देखते हैं क्या होता है आगे चल के। तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिए, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अच्छी से अच्छी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।